शाहरुख, जबकि दिल्ली का माहौल फिल्मी नहीं है, आपको फिल्मों में आने का शौक कैसे चढ़ा? मैंने एक प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप, थिएटर एक्शन ग्रुप टैग, जो मिस्टर बैरी जॉनिक इंग्लिश में, वो रन करते हैं। उनके साथ एक प्ले किया जिसमें मैं प्रिंसिपल डांसर था। एक म्यूजिकल था एनी गेट योर गन, और एक छोटा सा एक लाइन का सीन था। फिर वो फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया, पीपल लाइक मी इन दैट। तो उसके बाद फिल्म ऑफिस आई, मगर मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा उसको। तब मैं अपना एमए भी कर रहा था मास कम्युनिकेशंस के अंदर, तो फिल्मों में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था। उसके बाद एक और सीरियल, वो दिल दरिया किया मैंने। फिर बॉम्बे से एक ऑफर आया सीरियल का, उम्मीद, वो किया, और सर्कस के। एंड आफ्टर दैट पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी अप इन दिल्ली, और बोला उन्होंने कि हम फिल्म बना रहे हैं। हिमा जी ने बोला, सिपी साहब ने फ़ोन किया, बॉम्बे आ गया। ये पाँच फिल्में मैंने साइन की थी, जो अभी मेरे से तीन आ गई हैं। और इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, वन ईयर अदर आई विल डू फिल्म्स। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेखरन, राज साहब आए थे ना, उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दी है। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं सर्कस छोड़कर जाना होगा। सर्कस छोड़कर जाएगा हमारा जूता। आप एक ऐसे मिसाल हैं जो टेलीविजन से निकलकर फिल्मों में काफी नाम कमाए, ये कैसे संभव हो पाया? टेलीविजन में क्या है कि इंस्टेंट पॉपुलैरिटी होती है। मैं जब फौजी खत्म हुआ था, तो मैं अपने आप को कुछ 6.5 घंटे का टीवी स्टार बोलता था। मेरा केस ये था कि मेरी टेक्निक डेवलप थी, मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ था स्टेज पे, और मुझे एक सेट आइडिया था कि मैं जो फिल्में भी करूँगा वो अपने टर्म्स पे करूँगा, अपनी खुशी से करूँगा, साफ़ सुथरी, अच्छी, जो मुझे इंटरेस्ट करेंगे। छोटा बैनर है, बड़ा बैनर है, अच्छा डायरेक्टर है, गंदा डायरेक्टर है, मुझे पसंद आया, मेरा रोल अच्छा है। एंड बेसिकली आई वेंट फॉर रोल्स मोर देन यू नो कि फिल्में ही करनी है, कोई भी मुझे लॉन्च कर दे, नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने कहा रोल अच्छा होना चाहिए, और इन अ वे मैंने वैरायटी चूज़ की अपने 4-5 फिल्मों में जो आने वाली हैं, 2-3 बाकी, तो वो वैरायटी की वजह से। एंड देन ऑब्वियसली अ फिल्म लाइक दीवाना केम फर्स्ट, व्हिच हैड अ व्हिच वाज एक्चुअली द फिल्म आई साइन लास्ट। इट हैड अ फैंटास्टिक म्यूजिक स्कोर, द डायरेक्टर हैड वर्क्ड हार्ड, एक्टर्स हैड डन वेल, एंड इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट। आप जब इंडस्ट्री में आए तो दो खान्स, आमिर खान और सलमान खान, पहले से ही एस्टैब्लिश थे, तो क्या आपको आशा थी कि आप उस पोजीशन पर पहुँच पाएंगे? मेरे तो दिमाग में ऐसा था भी नहीं कि मिस्टर सलमान खान आई थिंक इज ईजली द बिगेस्ट स्टार एवर इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पैन। मिस्टर आमिर खान आई पर्सनली फील इज द फाइनेस्ट एक्टर इन द कंट्री। पुटिंग इट पोलाइटली, आई हैव मेड माई ओन पोजिशन। सम पीपल वेरी इम्पोलाइटली एंड स्टूपिडली आई फील से आई हैव डिसप्लेस्ड ए बी सी डी, विच आई थिंक इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एवरीबडी हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ एक्टिंग, एंड एवरीबडी इज एक्सेप्टेड नॉट बिकॉज कि वो दूसरे का कॉपी कर रहा है या उसको हटा दिया, भाई आमिर से अच्छा ये है या सलमान से अच्छा ये है या अजय देवगन इससे बढ़िया है, ऐसा नहीं होता। भाई इसमें भी कुछ बात है, इसको भी रहने दो, इसमें भी कुछ बात है, इसको रहने दो, और सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा एक्टिंग टैलेंट है, थोड़ी सी होंड है मेरी टेक्निक, तो आई कैन डू अ वेराइटी ऑफ रोल्स। माई फेस इज नॉट अ रेगुलर स्वीट बॉय फेस और एन एक्शन हीरोज फेस, इट इज़ अ मिक्सचर। सो आई कैन गेट अवे विद अ रोल लाइक जैसे दीवाना में था, आई कैन गेट अवे विद अ लिटिल कॉमिक लाइक इन चमत्कार, एंड आई कैन गेट अवे विद अ रोमांटिक लाइक राजू बन गया जंटलमैन। फिल्म इंडस्ट्री में ये मशहूर है कि आप काफ़ी एरोगेंट हैं, ये कहाँ तक सच है? आई डोंट नो इफ, अगर इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट को एरोगेंस बोलते हैं तो 100% आई एम एरोगेंट। अभी फिल्म मैगजीन्स में क्या होता है, मैं यही लाइन जब बोलता हूँ तो वो पहली पार्ट को काट देते हैं और लिख देते हैं यस आई एम एरोगेंट, तो मे बी दैट्स वाई। दूसरी बात ये है कि मैं जब फिल्म साइन करता हूँ तो मैं बहुत परेशान करता हूँ लोगों को। अब आप उसको परेशानी कहिए या डिटेलिंग कहिए, कि आप मेरे पास कहानी लेकर आए तो बोलते हैं ये स्टोरी लाइन है तो अब आप कर दीजिए। मैं कहता हूँ नहीं, पहले आप पूरी कहानी लिख के लाइए विद डायलॉग, स्क्रिप्ट दीजिए, क्योंकि मैं स्टेज का आर्टिस्ट हूँ, मुझे स्क्रिप्ट, मुझको इतना भरोसा है, आप मुझे एक कैरेक्टर दीजिए, मैं प्ले करूँगा। अब ये मत कीजिए कि शाहरुख खान के लिए कहानी लिख रहे हैं, नहीं नहीं, अब तो हम दिमाग में शाहरुख के साथ कहानी लिख कर लाए हैं, अब आपने ना कह दिया। अभी क्या है कि अब मैं हिट हो गया हूँ तो लोग बोलेंगे कि अरे यार डिटेल से करता ना, इसलिए यार बात है उस लड़के में, लंबी रेस का घोड़ा, ऐसा बोलते। पहले जब मैं करता था तो बोलते थे अरे समझता क्या यार, साला स्क्रिप्ट मांगता हमसे यार, है ऐसा होता था। तो वो तो डिपेंड्स कि कौन सी पोजीशन में आदमी, जब तक चल रहा है तो हर चीज़ चलेगी। एज एन एक्टर आपके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या क्या हैं? प्लस तो मैंने बताया कि एक तो एनर्जी लेवल बहुत है मेरा, नेगेटिव पॉइंट्स बहुत हैं, मैं हाथ बहुत हिलाता हूँ, बोलता बहुत तेज़ हूँ, मेरा डायलॉग ब्रेक डाउन बहुत अजीब सा है क्योंकि मैं इंग्लिश में सोचता हूँ, तो जो भी डायलॉग होता है कि निकल जाओ यहाँ से और अंदर मत आना, अगर वो ऐसा होता है तो मैं इंग्लिश में पहले वो डायलॉग सोचता हूँ, गेट आउट ऑफ हियर एंड डोंट एवर कम बैक। सो मेरा वो हिंदी में भी वैसे ही आता है, नॉर्मली डायलॉग ऐसा नहीं होगा, निकल जाओ यहाँ से और कभी भी बाहर मत आना, ऐसा होता है नॉर्मली हिंदी फिल्म में, लेकिन क्योंकि मैं अंग्रेजी में सोचता हूँ तो मेरा यही डायलॉग ऐसा होता है, निकल जाओ यहाँ से और वापस मत आना, तो ऐसा उल्टा हो जाता है बिकॉज आई एम थिंकिंग इंग्लिश, बिकॉज मैं इंग्लिश थिएटर करता था।